Recording in progress. All right. तो अभी कुछ स्टूडेंट्स बाकी हैं आना, हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि जो आज नई डिस्कशन है वो कोई जरा अच्छी लगा जाए। आप लोग किसी और क्लास से भी ज्वाइन किया है आप लोगों ने? कोई लेसन हो रहा था आपका? नो सर, अभी नहीं सर। अच्छा, तो फिर तो लेट होने की कोई रीजन तो नहीं है। ओके, सो व्हाट शुड वी डू? शुड वी स्टार्ट? राइट, विजिबिलिटी दे दिए, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, प्लीज देखें मोर विजिबिलिटी सही है आपके लिए। इसको रिप्लाई करो भाई, रिपोर्ट करो। सर थोड़ा ज्यादा ब्राइट हो रहा है। अच्छा, ऑलराइट, तो मुझे थोड़ा सा इसको आप देखिए कि बेहतर है। यस सर, ये और खराब हो गया। जी सर, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो कल हमने जो डिस्कस किया था इस पॉइंट पर कि हाउ वी एक्सपेंड अ बाइनोमियल, और उसमें हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। आज उसी का जो इजियर वर्जन है, और इजियर वर्जन से कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपेंशन आपके सामने है उसकी फर्स्ट टर्म वन है। ओके, तो ये फॉर्मूला प्लीज सब लोग पहले नोट कीजिए अपने पास। अगर आपके पास है वन प्लस एक्स टू द पावर एन, यानी जो फर्स्ट ए है वो वन है और दूसरा नंबर जो है वो कोई भी हो सकता है, बस वो वन नहीं हो सकता। जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आएगा वन प्लस एल एल सी वन एक्स प्लस एल सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एल सी थ्री एक्स क्यू, और इसी तरह चलता रहेगा ये, और यहां तक के आपके पास लास्ट टर्म आ जाएगी एक्स टू द पावर एन। लेकिन ये फॉर्मूला आप उस वक्त यूज करेंगे जब आपके पास जो फर्स्ट नंबर होगा वो वन होगा, यानी ए की वैल्यू अगर वन होगी तो ये बहुत इजीली एक्सपेंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बल्कि इसका पहले माइनस वाला भी लिखवा देता हूँ आपको। तो वन माइनस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन होगा वन माइनस एन सी वन एक्स प्लस एल सी टू एक्स स्क्वायर माइनस एल सी थ्री एक्स क्यू, और इसी तरह चलता रहेगा और लास्ट एक्स टू द पावर एन आ जाएगा, जो भी साइन होगी उसकी प्लस या माइनस। ऑलराइट, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला आप उस वक्त यूज करें जब आपका जो फर्स्ट ए की वैल्यू वन हो, अदरवाइज जो कल हमने डिस्कस किया था वो यूज करेंगे आप। ऑलराइट, तो एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वन प्लस टू एक्स टू द पावर फाइव, तो इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी वन प्लस फाइव सी वन मल्टीप्लाइड बाय टू एक्स प्लस फाइव सी टू मल्टीप्लाइड बाय टू एक्स टू द पावर टू, देन प्लस फाइव सी थ्री देन टू एक्स टू द पावर थ्री, देन प्लस फाइव सी फोर टू एक्स टू द पावर फोर
plus 5e5 and 2s to the power 5. अब इसको सिंप्लीफाई करने तो ये आ जाएगा 1 plus 5 into 2x plus 5c2 बता दीजिए कोई स्टूडेंट कैलकुलेटर से 5c2 10 होगा 10 हो जाएगा और 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर 5c3 क्या है ये भी 10 होगा मुझे याद नहीं रहता यार टीचर्स को याद हो जाता है मुझे याद नहीं टेन और ये हो जाएगा 8x³ प्लस 5c4 बता दो 5 हो जाएगा 5 और 2x की पावर ये हो जाएगा 16x4 और देन आखिरी 5c5 1 होता है हो जाएगा लगभग आपका 32x5 फर्दर सिंप्लीफिकेशन 1 प्लस 10x प्लस 40x² प्लस 80x³ प्लस 80x⁴ और प्लस 32x5 ये इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी तो ये थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर है बिकॉज ऑफ द The value of the a is 1, तो इसका expansion आसान हो जाता है। सही है भाई, सबको बात समझ आई है? Yes sir, sir. All right. तो एक example आप लोग solve कर ले, फिर हम कुछ छोटी सी definitions एक दो और है, उसको clear करके फिर हम questions पे आते हैं। कितने पार्टिसिपेंट हो गए क्लास में वेरी गुड 11 ओके तो अब आप लोग एक ट्राई कीजिए एग्जाम्पल 2 1 - 3x⁴ यस प्लीज तो ट्राई कीजिए अगर किसी को समझ नहीं आया है तो मुझसे डिस्कस कर ले जिन्होंने क्लास को लेट ज्वाइन किया है अदरवाइज ये ट्राई करें 1 - 3x⁴ विजिबिलिटी का इश्यू तो नहीं है किसी स्टूडेंट को सर वो बीच में ना बस ब्राइटनेस बढ़ी है जरा ब्राइटनेस बढ़ी है बोर्ड पूरा वाइट यार वो आई डोंट नो कि आज ये इसका मेल क्यों कर रहा है ये क्योंकि मैं डेटा यूज कर रहा हूँ नॉट बाई एनी वाईफाई तो एक मिनट है जरा मैं इसको चेक करता हूँ कि सब क्यों हो रहा है अच्छा अब देखिए जी सर ठीक है वेरी गुड ओके ऑलराइट तो 1 - 3x⁴ सर हो गया वेरी गुड मानू बस थोड़ा सा प्लीज वेट कीजिएगा
बाकी सब भी सॉल्व कर ले। मैं आपसे यहाँ तक पूछूंगा मान लो। हो गया सर, सर वेरी गुड प्लीज। ये कौन थे, दानिश थे? जी सर, सर। अच्छा हमारे अब तुम लोग से मुलाकात होगी तो बाय फेस और नेम तुम लोग को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अभी फिलहाल तो ओके तो इसका जो आंसर है हम मानू से पूछते हैं बिकॉज उन्होंने सबसे पहले रिकॉर्ड किया था। यस मानू प्लीज। वन माइनस माइनस यस 12x प्लस 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 54x² - 108x³ + 81x² - 4। आप सबका बुद्धिमान का आंसर है जी सर, यही है। ओके वेरी गुड मानू एंड रेस्ट ऑफ यू वेरी गुड वेल डन। अगर अभी भी कोई स्टूडेंट कंफ्यूज है तो स्टिल वी हैव अ टाइम बिकॉज अब तक हमने पास्ट पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं इन अ फ्यू मिनट्स टाइम कुछ डिस्कशन के बाद। अभी भी अगर कुछ है तो डिस्कस कर ले या हम आगे बढ़े। हाँ शर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टूडेंट और कुछ भी पूछ रहे हैं पूछो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पूछ रहे हैं। तो असल बात यह है कि आप कुछ पूछ रहे हैं सीख रहे हैं, जो चीज मैंने मैटर करती है वो यही है कि आप डिस्कस करते हैं। ठीक है ऑलराइट शैल वी मूव ऑन। ओके अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ रेज हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक टर्म को कैसे डिफाइन करेगा बायनोमियल एक्सपेंशन। तो एक फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूं PR+1। इसमें देखिए मैं P के नीचे यहां पर R+1 लिख रहा हूं, PR+1 = NCR AN-R एंड BR। ये फॉर्मूला आप उस वक्त यूज करेंगे जब आपको पूरी एक्सपेंशन से इंटरेस्ट नहीं होगा बल्कि किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टर्म के अंदर आप इंटरेस्टेड होंगे। मिसाल के तौर पर आप किसी के घर जाते हैं तो आप पूरे घर को नहीं बाहर बुलाते यार भाई घर में जितने बंदे हैं सबको बाहर भेज दो, जो मेरे जानने वाला होगा मैं उससे सलाम दुआ कर लूंगा। लेकिन हमारे लिए घर वाले आते तो आप वापसी के वही बैठे रहेंगे, लेकिन भाई पूरे घर को क्यों बुला रहा है, किस बंदे से मिलना उसको बुला लो। तो इसी तरीके से जब ये लॉजिक हमारी लाइफ में प्रिवेल करती है तो मैथमेटिक्स में भी प्रिवेल करती है और आजकल तो डायनामिक एक्सपेंशन में कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है बाकी टर्म से किसी स्पेसिफिक टर्म में आप इंटरेस्टेड है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें बेहतर होगा क्या। लेकिन मना नहीं है, अगर कोई आदमी मेरे घर आए और पूरे मेरे घर को बाहर बुला ले और फिर कहे कि यार मुझे इन साहब से मिलना था तो थोड़ा गुस्सा आएगा लेकिन हम माफ करके बाकी लोग अंदर चले जाएंगे और जिससे मिलना वही खड़ा जाएगा बाहर। ठीक है लेकिन अच्छा नहीं है, वो बहुत अजीब सी बात है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं मैथ के अंदर कि आपको जो भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टर्म चाहिए
आप सब सब एक्सप्लेन कर ले और उसके बाद फिर करने के लिए मेरे काम किए और आपका आंसर सही होगा मैथमेटिकली, ऑफकोर्स सही होगा, लेकिन अच्छा नहीं है, टाइम बर्बाद होगा और अजीब सी बात है। तो हम ये फॉर्मूला उसका यूज करते हैं तो हम किसी बायनोमियल एक्सटेंशन के अंदर सारी टर्म्स के बजाय किसी स्पेसिफिक टर्म में इंटरेक्शन होते हैं। अच्छा जी सॉरी, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें जो चीजें हैं वो क्या है। एन तो पावर है जो बायनोमियल एक्सटेंशन की होती है, ए और बी भी आप जानते हैं, कल डिस्कशन हो चुका है किसी बायनोमियल एक्सटेंशन के अंदर, मिसाल के तौर पर 2+3x की पावर यहाँ 10 है तो हमारे पास a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3x है और हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 10 है और हमारे पास r डिसाइडेड नहीं है। r जो है वो हर टर्म का अपना अपना होता है, ठीक है। कल याद करें जब मैं आपको लिखवा रहा था, मैंने आपको कहा था नोट कीजिए कि जैसे 6c2 और a 6-2b2, यहां देखें कि ये जगह सबके लिए सेम, ये नंबर सबके लिए सेम है, यहां पर 2 आ रहा है, यहां 2 आ रहा है, यहां 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो भी आंसर आना है और ये जो भी टर्म है इसका आर जो है वो 2 है और आपको बताया जा सकती है ये बात कि आर हमेशा किसी टर्म की पोजीशन से 1 लेस होता है, ठीक है। आर इज ऑलवेज इक्वल टू एन माइनस 1 और Where n is the position of any term. जैसे मिसाल के तौर पर अभी जो आंसर आया था, अगर मान लो थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, आपका जो भी आंसर आया था पिछले क्वेश्चन में वो था 1-12x और क्या था, +54x² -108x³ Yes, sir. Power 4. Very good. अच्छा जी, अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आर 1 होगा बिकॉज इसकी जो पोजीशन है वो एक्सपेंशन में सेकंड है तो इसका आर हमेशा 1 होगा। इसीलिए जब आपने ये -12x आंसर निकाला था तो आपने उसमें लिखा था 4c1। आप देख लीजिए आपकी वर्किंग में मौजूद होगा 4c1। तो ये जो 1 है ये आर है इस टर्म का, इसका आर जो होगा वो 2 होगा बिकॉज इसकी इस एक्सपेंशन में जो पोजीशन है वो थर्ड है, 3 है। इसका जो आर होगा वो 3 होगा बिकॉज इसकी पोजीशन 4 है और इसी तरीके से इसका आर 4 होगा और बिकॉज इसकी पोजीशन जो है वो फिफ्थ है इन द एक्सटेंशन। अब कुछ समझ आया आर क्या चीज है? जी सर, बताइए। जी सर, All right. R is always 1 less of the position of the term in any binomial extension. इसीलिए जब जनरलाइज लिखते हैं हम तो हम कहते हैं कि ये फॉर्मूला किसी R को सॉल्व कर रहा है NCR AN minus R BR बिकॉज जिस स्पेसिफिक टर्म में हम इंटरेस्टेड होते हैं उसका R पहले मालूम करना पड़ता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना क्वेश्चन, जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें जिस टर्म में हम इंटरेस्टेड होते हैं उसका आर पहले फर्स्ट स्टेप में उसका आर ही कैलकुलेट होता है, राइट।
अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो हम एक एग्जांपल की तरफ चले जाते हैं, राइट? शैल वी? अच्छा जी, मेरे ख्याल से मैं पास पेपर का एक आप लोगों को आज मैं वैसे भेजूंगा इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप पे, या देखते हैं किस तरीके से हो सकता है। अब हम इसको इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑलराइट, एक प्लीज क्वेश्चन आप लिखिए मेरे पास, मैं रिपीट करवा रहा हूँ आपको। Find the coefficient of x. Find the coefficient of x in the expansion of. Find the coefficient of x in the expansion of x plus 2 over x square to the power 7. Right? Question में repeat कर रहा हूँ. Find the coefficient of x. Find the coefficient of x in the expansion of x plus 2 over x square to the power 7. Right. अब आपके पास दो रास्ते हैं। इस घर में आप आए हैं और आपको coefficient of x से मुलाकात करनी है। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप कह देंगे भाई इस घर में जो भी है सब बाहर आ जाओ, यानी आप एक्सपेंशन करते चले जाएं, सब स्पेंड कर लें, पूरा वर्किंग कर लें जैसा हमने अभी किया है एग्जांपल्स में। उसके बाद उस बंदे को पिक कर लें जो आपको चाहिए, ठीक है, आपका आंसर सही होगा। लेकिन ए लेवल में, P1 में या P3 या मैकेनिक्स में या स्टैट्स में आप इतना टाइम नहीं जाया कर सकते। अगर आपके पास कोई शॉर्टर वे है तो वो अप्लाई करेगा, राइट? आई एम सॉरी, ओके। तो हम उस शॉर्टर वे की तरफ जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला है TR+1=NCRAN-RBR। और मेरी बात याद रखिएगा कि मैंने अभी कहा था तो सबसे पहले R की वैल्यू मालूम करना जरूरी है, क्योंकि जिस टर्म जिस चीज में हम इंटरेस्टेड है वो x की टर्म है, तो उस x की टर्म का r क्या होगा ये पहले पता करना जरूरी है। और इट इज वेरी इजी, देखिए आप कैसे। n आपको मालूम है 7, c r की जगह r छोड़ दीजिए, a आपको मालूम है x के बराबर है, n आपको मालूम है 7, r की जगह r रहने दे, b आपको मालूम है 2 ओवर x स्क्वायर, ये बी की जगह ले लें और उसको आर लगा दीजिए। चलिए ये बताइए कि जो मैंने वैल्यूज डालने का काम किया है इसमें कोई कंफ्यूज तो नहीं है? नहीं सर। फर्स्ट नहीं सर। एक फर्स्ट बताइए, कोई कंफ्यूज तो नहीं है? हाँ, एनीवन? सर सही, आगे सर सही, आगे चलें। ठीक है, आगे चलें, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पर आपने कुछ टेक्निकल काम करना है। टेक्निकल काम से मतलब ये है कि ये जो पार्ट है इसमें इन्वॉल्व सारे नंबर्स को आइसोलेट कर देना है, यानी जो मैं कह रहा हूं मैं करके दिखाऊंगा तो शायद ज्यादा आपको बात समझ जाएगा। x टू द पावर 7 माइनस r, 2 टू द पावर r, एन एक्स स्क्वायर टू द पावर आर, ये है मेरा मतलब। मैंने जितने यहाँ पर नंबर इन्वॉल्व थे, एक्स था, टू था और एक्स स्क्वायर था, मैंने सबको अपने अपनी दुनिया में अलग कर लिया। एक्स टू द पावर 7 माइनस आर ऑलरेडी वो था, वो ऐसे ही रहा, टू टू द पावर आर अलग हो गया और x स्क्वायर टू द पावर r अलग होंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी टेक्निकल है। जब हम कहते हैं टेक्निकल है या मेथड है तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट को उसकी एल्जेब्रिक अप्रोच को समझना चाहिए, ठीक है। ये क्यों किया गया है वो अगले स्टेप में समझ आता है, ठीक है।
x to the power 7 minus r as it is हो गया, 2 to the power r as it is हो गया, अब इस 2 को r से मल्टीप्लाई कर दिया तो x की पावर 2r हो गया। अगर इंडक्टर्स के रूल याद है तो अगर किसी बेस पर 2 पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई जाती है, दैट इज 2 और r मल्टीप्लाई ओवर 2r हो गया। यहां तक बात समझ आ गई है? सही है, अभी तक सिर्फ टेक्निक इन्वॉल्व है अलजेब्रा टेक्निक। अब यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर भी बेस एक्स है और यहाँ पर भी बेस एक्स है और सेम बेसिस अगर डिवाइड हो रहे हो तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि उन उसमें पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मैंने जो बात कही है कोई नई बात तो नहीं थी आपके लिए? पावर 7 माइनस r और ये वाला जो x है इसका 2r ऊपर r से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज ये दोनों बेसिस सेम थे और 2 टू द पावर r एज इट इज अपनी जगह रहेगा। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, 7cr x टू द पावर 7 माइनस 3r इंटू 2 टू द पावर r, ये माइनस r और माइनस 2r माइनस का 3r हो गया। यस, अब हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि वो r जो हमें कैलकुलेट करना था और हो जाएगा। कैसे होगा जरा आप देखिए, आप जिस फॉर्म में इंटरेस्टेड है वो है x, वो एक तरफ आ जाएगी और जो आपने कैलकुलेशन करके x निकाला है उस पर है 7 माइनस 3r। अब गौर से देखिए, ये बेस और बेस सेम है तो जो इसकी पावर होगी और जो इसकी पावर होगी वो सेम होगी या नहीं होगी? तो बेसिस एक जैसे कैंसिल आउट हुए और 7 माइनस 3r इक्वल्स टू 1 हो गया। तो फिर माइनस 3r इक्वल्स टू 1 माइनस 7, दैट इज माइनस 3r इक्वल्स टू माइनस 6, दैट इज r इक्वल्स टू 2। तो हमको पता लग गया कि उसका r 2 है जिस सम में हम इंटरेस्टेड है। अब इसमें सबसे अहम जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये हमने स्टेप 2 लिखा है, x टू द पावर 7 माइनस 3r इक्वल्स टू x। इसलिए कि अगर आप क्वेश्चन की वर्डिंग को अपने जहन में दोबारा लाए तो वो कह रहा था कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी वो x के कोफिशिएंट में इंटरेस्टेड है, लिहाजा आप इस x टू द पावर 7 माइनस 3r को x टू द पावर 1 से कंपेयर करेंगे या इक्वेट करेंगे और जैसे ही आप इक्वेट करेंगे कंपेयर करेंगे वहीं से r कैलकुलेट हो जाए। ठीक है? हाँ भाई, बात समझ आई सबको? जी सर, ओके बेहतरीन। अब इस r की वैल्यू को आप चले जाए लेकर यहाँ पर 7cr की जगह 2 रख दे, x टू द पावर 7 माइनस 3 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 2, r की वैल्यू पुट कर दे। अब 7c2 बताइए कोई स्टूडेंट मुझे, 7c2 क्या होता है? Any student, please help me. 21. और x to the power 7 minus 6 और 2 to the power 2 means 4. अब 4 को 21 से multiply करो, ये हो जाएगा 84. 7 minus 6, 1. x आ गया। आप देखिए, आपने हासिल कर लिया 84x, लिहाजा आपका आंसर सिर्फ कोफिशिएंट है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका द कोफिशिएंट ऑफ x इज 84। ये है जनाब स्ट्रेटेजी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बताइए मुझे आप लोग,
समझ आई है बात आपको? जी सर यही आ रहा है, जी सर यही आ रहा है मेरे भैया। हाँ तो हमने पूरे उस फैमिली को घर से बाहर निकालने के बजाय हमने ठीक उस बंदे को बाहर बुला लिया जिससे हमें मिलना था, बात करनी। बाकी दुनिया को बुला के बाहर क्या करना, क्या पता उसके अब्बा बड़े घुसकर आती हो बाहर आती टमाटे वाटे मारना शुरू कर दिए या काटना शुरू कर दिए, ठीक है? तो इससे बेहतर है कि अपने दोस्त को बाहर बुलाओ, पूरे खानदान को बाहर बुलाने की क्या जरूरत है। यस यस मामूल और बाकी स्टूडेंट्स बताइए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई आप लोगों की? अफगान रेहान है, आशिर है और मानूल और मूसा हसनैन है, साद अहमद नकवी, मिसमैरा है, मिसमैरा समझ आया आपको? सैयद अली अब्बास नकवी साहब है, सैयद शुएब हारून है, आप सब लोग कोई इशू तो नहीं है, समझ आइए बात? जी सर आ गए, जी सर आ गए। वेरी गुड। अगर कि समझ आ गई तो मुझे बहुत अच्छी खबर है, इसलिए कि मैरा अगर कह दी मुझे समझ आ गए तो मतलब सब कुछ समझ आ गया। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, बिल्कुल इससे बहुत मिलता जुलता होगा। क्वेश्चन होगा जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? बल्कि एक प्रॉब्लम में मैं खुद भी सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन करवाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन देख लिखिएगा, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ 1/x, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ 1/x, 1/x, 1/x इन द एक्सपेंशन ऑफ to find the coefficient of 1/x, 1/x का coefficient मालूम करना है हमने, और in the expansion of 2x minus 1/x to the power 5, right? Okay. हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार हमें कोफिशिएंट निकालना है 1/x का, ठीक है? मेथड सेम रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे आप, फॉर्मूला यूज करेंगे टी आर प्लस वन। सर सवाल जरा नीचे, सवाल जरा नीचे लिख दें, पूरा दिख नहीं। सॉरी सवाल थोड़ा नीचे लिख दें, सवाल थोड़ा नीचे लिख दें, पूरा दिख नहीं रहा। अच्छा ओके, आई एम सॉरी। ओके अब देखो सही है, 2x माइनस 1/x टू द पावर 5, ठीक है? ओके तो हमारे पास फॉर्मूला है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर एन बी आर, तो जस्ट प्लग इन द वैल्यूज, हो जाएगा 5 सी आर ए 2x टू द पावर 5 माइनस आर। अब एक बात आपने जरा देखिये, ए लेवल के अंदर जो जितना स्मार्ट है उसका अपना अच्छा ग्रेड है, यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, इस माइनस साइन को आप इग्नोर भी कर सकते, माइनस 1/x की पावर आर आ जाएगा यहां पर, आप
पिछले सवाल में क्योंकि यहाँ प्लस साइन था लिहाजा हमने उसको लोड भी इस तरह का इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ माइनस है तो ये माइनस को एंटरटेन करना पड़ेगा आपको। सो डोंट फॉरगेट दिस माइनस, उस माइनस को अंदर रखकर ब्रैकेट में पावर आर हो जाएगी। अब उसके बाद आपने जो मैंने आपसे कहा था कि हर नंबर जो इन्वॉल्व है उसको अब आपने आइसोलेट करके लिखना है। 5 PR एडिशन आ गया, 2 की पावर 5 माइनस आर अलग लिख दिया जाएगा और x की पावर 5 माइनस आर अलग लिख दिया जाएगा। ये कैसे हुआ है? ये जो 2x लिखा हुआ है इस होल पर पावर थी 5 माइनस आर। अब आपको इस 2 पर अलग 5 माइनस आर लिखना होगा, x पे 5 माइनस आर अलग लेंगे आप। फिर सिमिलरली माइनस 1 पर आर अलग लिखेंगे और डिवाइडेड बाय x पर पावर आर अलग लिखेंगे। बताइए सबको समझ आई बात? ठीक है भाई, कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो प्लीज गो अहेड। नहीं सर समझ में आ गई है। ओके राइट, अब आपने वो जो मैंने कहा था टेक्निकल चीज है, एल्जेब्रिक चीज है, उसका ख्याल करना है। अब आपका फोकस एक्स होना चाहिए कि 2 की पावर 5 माइनस 8 अभी फिलहाल इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, -1 की पावर 8 इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है फिलहाल, अभी इम्पोर्टेंस है एक्स की। ये जो एक्स लिखा हुआ है और ये जो एक्स लिखा हुआ है इनकी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 5 CR 2 to the power 5 minus R और ये वाला आर जब ऊपर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 minus 2 R हो जाएगा माइनस आर, और ये वाला जब आर आएगा माइनस से ये 5 minus 2 R आ जाएगा और -1 to the power R ऐसे कुछ लिख दिया जाएगा। जब आप इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने निकाला है ना x की पावर 5 minus 2 R ये अलग से उठा लेंगे आप और उसको इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे उस x के टर्म से जिसके कोफिशिएंट में आप इंटरेस्टेड है, और वो क्या है 1/x है, वो 1/x है, हम सबको मालूम है, हम क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे x टू द पावर 5 minus 2 R इक्वल्स टू 1/x, यानी जिस टर्म के कोफिशिएंट में आप इंटरेस्टेड थे क्वेश्चन में उसी के इक्वल लिखेंगे उसे। और फिर टेक्निकल चीज है x को ऊपर ले जाइए, x की पावर -1 हो जाएगी, यहाँ पर x की पावर 5 minus 2 R और पिछले सवाल की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह हम ये x पर x कहेंगे कि ये कैंसिल हो गए, तो 5 minus 2 R = -1। अब हम यहाँ से इजीली R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, that would be -2 R = -6, that is the value of R is 3। और जैसे R कैलकुलेट हो जाएगा it means कि जो आप टारगेट कर रहे थे उसके नजदीक चले गए, और वो क्या था? वो था जनाब आली ER+1 = 5 CR/2x^5 R and - क्या था यार, मैं मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं ना, 1/x बल्कि इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या थी जो हमने आखिर में हासिल कर ली थी, वो था 2 की पावर 5 minus R 2 की पावर 5 minus 2 R और साथ में क्या था -1 की पावर R ऐसी क्या मुझे जी अब बोलिए 2 की पावर 5 minus R थी। अच्छा 5 minus R थी
और x की पावर क्या थी 5 माइनस 2 r और माइनस 1 टू द पावर r। बस आपको क्या करना है r की वैल्यू उसमें प्लग इन करें और उसको सिंप्लीफाई कर दें, आप देखिएगा आंसर आ जाएगा आपका। और इसकी ग्रीन -40 आ रहा है। अच्छा चेक करते हैं अभी, हम अभी सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है थोड़ा वेट कर लीजिए आप। 2 की पावर 5 माइनस 3 एक्स टू द पावर 5 माइनस 2 इंटू 3 और -1 टू द पावर 3। 5 3 कितना होता है यार, क्वेश्चन बताओ सर। 10 है। ओके और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर -1 और यहाँ हो जाएगा -1। बिल्कुल सही है, जो भी स्टूडेंट आइए तो ये हो जाएगा 40 × 1/x दैट इज द आंसर कोफिशिएंट ऑफ सर मल्टीप्लाई में माइनस एंड मल्टीप्लाई में माइनस 1 भी तो। हाँ बिल्कुल हाँ, तो कोफिशिएंट ऑफ 1/x इज -40 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। बताइए आप लोगों को आज का डिस्कशन क्या लगा है सर? जी बोलिए सर। ये जब हमने r निकाला है, r निकाल के अंदर हमने 1/x के साथ जो माइनस था वो नहीं लिखना, वो नहीं लिखना। कौन सा वाला यहाँ कह रहे? नहीं नहीं सर, जो हमने r निकाला है, r निकाला है हाँ, उसके अंदर 1/x के साथ जो माइनस था साइन का क्वेश्चन के अंदर वो नहीं लिखना, तो लिखना। नहीं लिखेंगे ना, -40 लिखा तो है। नहीं नहीं सर, ये जो आपकी लेफ्ट साइड पे जो वर्किंग दीजिए, वर्किंग दीजिए ये वाली जी जी, इसके अंदर जो हमने पहले स्टेप के अंदर बना था उसके अंदर हमने माइनस नहीं नहीं वो भी लिखेंगे आप, ठीक है। आप जो सिर्फ एक्स की इन्वॉल्वमेंट वाली चीज होगी ना, एक्स वाली सिर्फ उसको कंपेयर करेंगे एक्स वाले, ठीक है सर सही है। हाँ एक्स के अलावा कोई भी चीज होगी, 2 होगा -1 होगा कुछ भी होगा, अब टेक्निकल चीज है, एल्जेब्रिक चीज है कि हम जो हमने निकाला है और जो हमें चाहिए उसको इक्वेट करना है। सही है सर। बताइए आप लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है या नहीं हुई है? हुई है सर। तो एक और मैथमेटिक्स में भी जानना बड़ा आसान काम है कि भाई वाकई समझ आया है नहीं आया, तो एक क्वेश्चन आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए, इंडिपेंडेंट वर्किंग है पूरी, कोई आपकी हेल्प करने वाला मौजूद नहीं है, मैं करूँ हेल्प फिलहाल आपको, ट्राई करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहां लिख रहा हूं नीचे लिखिए 2 - 1/2x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। सर बोर्ड नहीं दिख रहा, 2 - x/2 2 - x/2 to the power 7 to the power 7 है, 2 - 2/x to the power 7 और आपको जो रिक्वायर्ड है वो है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब चाहिए आपको। यस प्लीज गो अहेड ट्राई करें, पावर 7 आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पता करना है।
यस प्लीज टाइप कीजिए. Yes. Sir, -35/2 -35/2. Let me take the answer. Okay, -38. कितना आ रहा है माइनस? -35/2 35/2. अच्छा जी, बाकी स्टूडेंट जरा ट्राई कर लेंगे यार. ठीक है, आपके आर की वैल्यू क्या है सर? आर की वैल्यू 3 है. आर की वैल्यू 3 है. आर की वैल्यू 3. ओके, तो शायद आप वेट कर लो. ये Anyone who has the same answer? सर समझ नहीं आ रहा. सर समझ नहीं आ रहा. मैं सॉल्व हूँ आपसे. सर मैं अभी कंफ्यूज हो रही हूँ. अच्छा ठीक है, मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ. तो अच्छा आप पता क्या करेंगे, मालूम वगैरह जो भी तुम लोगों के, मुझे उसी स्टेप पे रोकोगे जहाँ से तुम्हारी कंफ्यूजन स्टार्ट हो रही है. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स ओवर 2 टू द पावर 7. तो अफकोर्स इसमें तो कोई मसला नहीं हुआ होगा आपको, फॉर्मूले में वैल्यू साइन की होंगी आपने, 7 सी आर 2 टू द पावर 7 माइनस आर
एंड माइनस x अपॉन 2 टू द पावर r, ठीक है? यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है, सही है? नहीं सर, सही है, सही है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो आपका टेक्निकल काम है, यानी अलजेब्रा इन्वॉल्व है, 2 की पावर 7 बाय 4 एज इट इज रहने दो, माइनस x पर r अलग कर लो और 2 पर r अलग कर, ठीक है? ऑलराइट, उसके बाद ये दोनों बेस चेंज है 2 और 2, तो इसकी पावर्स को ऐड कर लो, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 7 माइनस 2 r, और यहाँ हो जाएगा माइनस x टू द पावर r, ठीक है? अच्छा जी, अब हमें कोएफिशिएंट किसका चाहिए इसमें? x क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए, ठीक है? तो यानी आपके पास ये जो माइनस x टू द पावर r इक्वल्स टू x क्यूब है, ठीक है? अब एक इशू आ रहा है कि यहां पर x के साथ माइनस साइन है, जबकि क्वेश्चन में भी माइनस साइन दिया हुआ है, और यहां पर पॉजिटिव x कह रहा है, इसकी वजह से कंफ्यूज हो रहा है ना तुम लोग शायद? हाँ भाई जी सर हाँ। तो मुझे अच्छा, ये जो अभी जिस स्टूडेंट ने मुझे आंसर बताया था, उसने इस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई किया था तुमने? कितने पहले मुझे आंसर यार? सर वो मैंने बस इसके वो मैंने बस इसके कोएफिशिएंट को देख लिया था, पावर को देख लिया था। लेकिन मतलब ये है कि यहाँ वो जो अलजेब्रिक रूल है उसके लिए जरूरी है कि आपके पास यहाँ पर बेसिस सेम होने चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज ये हैंडल नहीं होगा क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर पॉजिटिव साइन ले लें तो उसको चेंज कर लीजिए, यहाँ पॉजिटिव। अब कुछ बात समझ आती है कि x टू द पावर r, x टू द r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है जी सर? समझ आ गया, समझ आ गया। कर सकते हैं क्या? नहीं, ये तो मैंने खुद मैंने करवा दिया है आपको, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, मैंने करवा दिया। मुझे लग रहा है कि ये गलती से मौजूद है, तो 7 माइनस x टू द पावर 3 आ जाएगा यहाँ, ठीक है? और यहाँ हो जाए, लेकिन वो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है ना, माइनस x टू द पावर r कैन नॉट बी कंपेयर विद x टू द पावर 2, बिकॉज बेसिस सेम होने चाहिए। तो जो मेरे पास जो क्वेश्चन मौजूद है, मुझे डाउट है कि आंसर आ रहा है क्या? आंसर आ गया, ये पॉजिटिव के साथ बनाई बुकलेट बैठ के उसे वो प्लस माइनस साइन करती हुई है, तो आप उसको सही कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। एग्जाम में मत करने जाइएगा, एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा वो सही फॉर्म में होगा, सही है? तो ये आर की वैल्यू आ गई 3। अब इस r की वैल्यू को आप क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो 7c3 2 टू द पावर 7 माइनस 2 इंटू 3 और x टू द पावर 3। 7c3 कितना होता है यार? 35 होता है, वेरी गुड। और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 और x क्यूब, तो ये हो जाएगा 70x³, तो आपका आंसर 70 हो जाएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 70, ठीक है? तो मानूर आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये मेरी मिस्टेक है या मेरी बुकलेट की मिस्टेक है,
जिसमें जो साइन है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है सर, ठीक है सर। आपने मैथमेटिक्स फॉलो करनी है। मैथमेटिक्स ये कह रही है कि माइनस एक्स कैन नॉट बी कंपेयर विद प्लस एक्स, सो देयर शुड बी सम मिस्टेक इधर इन द वर्किंग और इन द गिवन प्रॉब्लम। तो वर्किंग में तो हमने देख लिया मैथमेटिकली हम कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे थे, सो देयर मस्ट बी अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, फिर क्वेश्चन को देखा तो अपने अपने मिस्टेक क्वेश्चन की समझ आ गई, उसको दुरुस्त किया, ये रीच टू द राइट आंसर। ठीक है, मान लो बात समझ आई है। जी सर आ गई, थैंक यू सर, आ गई, थैंक यू। वेरी गुड, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिकॉज यू आर गोइंग वेरी वेल, ऑल ऑफ यू गोइंग वेरी वेल। मैं चाहता नहीं कि किसी पॉइंट पर भी हम कंफ्यूज हालत में हों। नो नो नॉट एट ऑल, बड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा सारी मदद का। ठीक है, तो ये जवाब हो गया। अब एक क्लास और एक्सप्लेनेशन की और एग्जाम्पल्स की बाकी है, उसके बाद हम सब लोग इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला के पास पेपर जो है वो हैंडल कर सकते, राइट। और बुक के बारे में ये शुएब हारून पूछ रहे, बुक अभी परचेज नहीं करना आपने, फिर सबको मैंने मना किया है कि बुक आपने फिलहाल परचेज नहीं करनी है मैथ। ठीक है, वो मैं चीजों को देख रहा हूँ, अगर मेरी बुकलेट इनफ हुई आपकी प्रिपरेशन के लिए तो हम वही यूज करेंगे। और अगर इन केस आपको मैथमेटिक्स की बुक से कोई री इन्फोर्समेंट चाहिए होगी तो हम वो फोटो कॉपी करके ले सकते हैं। वाई परचेजिंग द होल सेट ऑफ बुक, जबकि वो इतना कोई फैसिलिटेट नहीं करी। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स स्टडीज की बुक बहुत अच्छी लिखी गई है, अनफॉर्चुनेटली मैथमेटिक्स की बुक जो एलेवेंथ के लिए लिखी गई है वो एग्जामिनेशन पैटर्न को स्टैंडर्ड को फैसिलिटेट नहीं कर रही। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको सिर्फ ऐसी नोट डाल दूं कि आप टेस्ट खर्च करने और घर ला के उसे अपने सी एस लगा के बुक को लेते रहें, उसे कोई फायदा हो तो आपसे परचेज करवाएंगे। तो मैं स्टिल देख रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको, मीन टाइम आपने कोई बुक परचेज नहीं करनी। ठीक है, सही है शेर हारून? ओके सर, ओके इंशाल्लाह। मेरा मोबाइल की बैटरी 1% रह गई है और टाइम कितना अभी हमारा, यस वी हैव डन विद द लेसन इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेसन जब भी होगा तो फिर हम एक एक्सप्लेनेशन क्लास और है तो इंशाल्लाह हम पास पेपर करने का काबिल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, जजाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।